भाई साहब फरवरी 2022 के अंदर पता है कितने फोन लॉन्च हुए हैं? टोटल 21 फोन। जी हाँ, टोटल 21 फोन फरवरी 2022 के अंदर इंडिया में लॉन्च हुए हैं, जिनकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी। हालांकि मैं स्पेसिफिकेशन हर एक फोन की आपको बता नहीं सकता हूँ कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, 25 मिनट आधा घंटा भी जा सकते हैं, इसलिए मैं सिर्फ प्राइस और वेरिएंट आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आपने जनवरी 2022 के अंदर कितने फोन लॉन्च हुए हैं ये जानना चाहते हो तो भाई साहब उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन खोलिए और वो वीडियो भी चेक कर लो। तो इस लिस्ट में फरवरी 2022 में लॉन्च होने वाले फोन में सबसे पहले नंबर का फोन है वो है ओप्पो रेनो 7 और ओप्पो रेनो 7 प्रो। ओप्पो रेनो 7 8GB 256GB 29,000 रुपए और ओप्पो रेनो 7 प्रो वो 12GB 256GB 40,000 रुपए। हाँ, इन दोनों ही फोन का सिर्फ एक एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ है। फिर है सैमसंग गैलेक्सी S22। फिर है सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस। और फिर है Samsung Galaxy S22 Ultra। फिर जो अगला फोन आता है वो है IQ की तरफ से IQ9 8GB 128GB, ये मिलेगा लगभग 42,990 रुपए में और 12GB 256GB ये मिलेगा लगभग 47,000 रुपए में। फिर है IQ9 Pro 8GB 256GB ये मिलेगा लगभग 65,000 रुपए में और 12GB 256GB ये मिलेगा लगभग 70,000 रुपए में। फिर है IQ9 SE 8GB 128GB ये मिलेगा लगभग 34,000 रुपए में और 12GB 256GB ये मिलेगा लगभग 38,000 रुपए में। फिर जो अगला फोन है वो है Vivo T1 5G 4GB 128GB ये आपको मिलेगा लगभग 16,000 रुपए में, 6GB 128GB ये मिलेगा लगभग 17,000 रुपए में और 8GB 128GB ये मिलेगा लगभग 20,000 रुपए में। फिर अगला फोन है इस लिस्ट में Poco M4 Pro 5G 4GB 64GB ये मिलेगा लगभग 15,000 रुपए में, 6GB 128GB ये मिलेगा लगभग 17,000 रुपए में, 8GB 128GB ये मिलेगा लगभग 19,000 रुपए में। अगला फोन है Vivo Y75 5G, इसका भी सिर्फ एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ है 8GB 128GB ये मिलेगा आपको लगभग 22,000 रुपए में। फिर है Realme की तरफ से Realme 9 Pro और Realme 9 Pro Plus। Realme 9 Pro 6GB 128GB ये मिलेगा 18,000 रुपए में, 8GB 128GB ये मिलेगा 21,000 रुपए में और Realme 9 Pro Plus। फिर है अगला फोन Redmi की तरफ से, जी हाँ, Redmi Note 11 और Redmi Note 11s। Redmi Note 11 4GB 64GB ये मिलेगा 13,499 रुपए में, 6GB 64GB ये मिलेगा 14,499 रुपए में और 6GB 128GB ये मिलेगा 15,500 रुपए में। Redmi Note 11s 4GB 64GB ये मिलेगा 16,500 रुपए में, 6GB 128GB ये मिलेगा 17,500 रुपए में और 8GB 128GB ये मिलेगा 18,500 रुपए में। अगला फोन आता है OnePlus की तरफ से, जी हाँ, OnePlus Nord CE 2 5G 6GB 128GB ये मिलेगा 24,000 रुपए में और 8GB 128GB ये मिलेगा 25,000 रुपए में। अब अगला फोन आता है दोबारा Vivo की तरफ से, Vivo V23 5G 8GB 128GB ये मिलेगा लगभग 30,000 रुपए में और 12GB 256GB ये मिलेगा लगभग 35,000 रुपए में। और फिर है Vivo V23 E 5G 8GB 128GB ये मिलेगा लगभग 26,000 रुपए में, इसका एक ही वेरिएंट है। अगला फोन आता है Infinix की तरफ से जो है Infinix Zero 5G, जी हाँ, इसका एक ही वेरिएंट है, 8GB 128GB ये मिलेगा लगभग 20,000 रुपए में। और इस लिस्ट में जो अगला फोन है वो है Motorola की तरफ से Motorola Ace 30 Pro, जी हाँ, इसका भी एक ही वेरिएंट है, 8GB 128GB ये मिलेगा 50,000 रुपए में। इन सब के अलावा ऐसे दो फोन और हैं जो कि चाइना के अंदर लॉन्च हो चुके हैं, इंडिया के अंदर कब होंगे, होंगे भी या फिर नहीं होंगे कुछ कह नहीं सकते। उनमें से एक है OnePlus 10 Pro, ये चाइना में लॉन्च हो चुका है, जो कि जनवरी में ही लॉन्च हो चुका है, फरवरी में लॉन्च नहीं हुआ। हो सकता है कि मार्च में हमें ये फोन देखने को मिल जाए इंडिया के अंदर, 8GB 128GB लगभग 55,500 रुपए, 8GB 256GB लगभग 62,000 रुपए और 12GB 256GB लगभग 62,000 रुपए। और जो ये प्राइस मैंने आपको अभी बताई है ये चाइना के अंदर जो ये OnePlus 10 Pro लॉन्च हुआ है उसकी प्राइस है, इंडिया के अंदर जब ये फोन लॉन्च होगा तो शायद हो सकता है कि ये फोन हमें और थोड़ा महंगा देखने को मिले। अब जो लास्ट फोन है इस लिस्ट के अंदर वो है Redmi की तरफ से Redmi 12X
चाइना के अंदर ही फोन लॉन्च हो चुका है और जिस प्राइस पर ये लॉन्च हुआ है वो प्राइस है लगभग 55,000 रुपए के आसपास। इंडिया में ये फोन कब लॉन्च होगा भी या फिर नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते हैं, शायद 50-50 चांस है, शायद लॉन्च हो शायद ना लॉन्च हो, कुछ कह नहीं सकते हैं। चाइना में लॉन्च हो चुका है, अब इंडिया का देखते हैं कब होगा, होगा भी या फिर नहीं होगा, खैर कोई बात नहीं। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको सारी जानकारी मिल गई होगी कि कौन कौन से फ़ोन फरवरी 2022 में लॉन्च हुए हैं। 5G भी है, 4G भी है, सारे तरह के फ़ोन मैंने इस लिस्ट के अंदर कवर किए हैं। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म कर लेते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो, प्यार से कह रहा हूँ।